दोस्तों आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों आज का विषय जो है ना वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे, यदि आप किसी व्यक्ति को ईंट से मारते हैं तो वह उसका जवाब पत्थर से देता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में। वह कैसा इंसान था जिसको रोमी सिपाही मारते ही जा रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया और उसे सूली पर लटका दिया, लेकिन उसने एक बार भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। और नहीं तो उल्टे उसने उनके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी की कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे। तो दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो इतना प्रताड़ित होते हुए भी लोगों से प्रेम करे और उनके लिए आशीष की कामना करे। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे भजन संहिता से ये लिया गया वचन है, जो कि यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के हजारों साल पहले की ये भविष्यवाणी है। अब भजन संहिता किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। तो दाऊद को क्या पता कि ये जो घटना है यीशु मसीह के साथ, जो घटना होने वाला है, ये घटना एक दिन पूरा होगा। तो परमेश्वर जो है दाऊद से इस वचन को, इस भविष्यवाणी को हजारों साल पहले लिखवाता है। तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 का 7। वह सब जो मुझे देखते हैं, मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ पिचकाते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। तो आप देखते होंगे जब यीशु मसीह के क्रॉस पर लटकाया जा रहा था तो बहुत से लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसकी ठट्ठा उड़ा रहे थे। उसी आयत को दोस्तों जब हम मत्ती 27 के 31 में यानी नया नियम में देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे उसका उपहास कर चुके तो वह चोगा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। फिर दोस्तों पढ़ते हैं मत्ती 27 का 43। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। तो जैसा पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई है, ठीक उसी प्रकार नए नियम में पूरी हो रही है कि रोमी सिपाही जो है उसका ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसी भविष्यवाणी को दोस्तों जब हम पुराने नियम में देखते हैं भजन संहिता 22 के 12 में, तो यहाँ दाऊद भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, वासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। बहुत से सांड मतलब यानी कि बहुत से लोगों ने उसे घेर रखा है। 16 में पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यहाँ दोस्तों दाऊद कह रहे हैं कि वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, यानी कि अब दाऊद को कैसे पता कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हजार साल के बाद पूरी हो जाएगी। यहाँ दोस्तों मरकुस 15 का 16 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रीटोरियस कहलाता है और सारे सैनिक दल को बुला लाए और उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा। आप देखते होंगे दोस्तों कि बहुत से मूवी में जो है यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना जाता है। अभी इस भविष्यवाणी को हम पुराने नियम में पढ़ेंगे, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। यानी यहूदी लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। अब उसका प्रणाम इसलिए नहीं करते थे कि वो परमेश्वर है, उसका प्रणाम उसके मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था। जब वे उसका उपहास कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। भजन संहिता 22 का 15। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। मैं ठीकरा हो गया मतलब मैं टूट गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। यानी जब यीशु मसीह के क्रॉस पर लटकाया जा रहा था तो उस समय जाहिर सी बात है बहुत गर्मी रही होगी, तो प्यास के मारे जो है उसका जीभ तालू से चिपक गया। ये पुराने नियम की यीशु मसीह के हजार साल पहले की भविष्यवाणी है दोस्तों।
अब इसी को जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि ये भविष्यवाणी एकदम सेम पूरा होने वाली है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, इसलिए उन्होंने सिरके के भिगोए हुए पनसोक्ता को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों यीशु मसीह को प्यास लगती है। भजन संहिता 22:14, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। यूहन्ना 19:34, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। नए नियम में यूहन्ना 20:25, जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब ये बातें कौन कह रहे हैं? थोमा कह रहे हैं कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। भजन संहिता 22:17, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, यानी उन दोनों चोर की बात हो रही है। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी। अब दोस्तों ये पैर का टांग क्यों तोड़ा जाता था? पैर का टांग इसलिए तोड़ा जाता था क्योंकि पैर के सहारे ही पूरा शरीर जो है रुका रहता है, और जब पैर की टांग टूट जाएगी तो इंसान को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए कि जल्दी मरने के लिए जो है क्रूस पर पैर की टांगों को तोड़ दिया जाता था। 36, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। भजन संहिता 22:18, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। अब इसी आयत को जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, यूहन्ना 19:23-24, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो इन सारे आयतों से क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट यही होता है, यीशु मसीह आपके और हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया था और अपना बलिदान दिया। अगर हमें कोई एक चाटा मारता है तो हम सोचते हैं उसका जवाब हम उसे दो चाटे में देंगे, लेकिन यीशु मसीह जो है उसका जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था, वो तो आपके और हमारे पापों का सजा अपने ऊपर सहने के लिए इस दुनिया में आया था, इसलिए जो है वह उल्टे किसी पर वार नहीं किया। यहाँ दोस्तों यशायाह 53:7 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु मसीह के आने के हजारों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो बाइबल स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह सचमुच आपके और हमारे पापों का बलिदान अपने ऊपर लेने के लिए आया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।